परम पूजनीय श्री स्वामी अखंडानंद पर्वत जी महाराज जी के आशीर्वाद सदका परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी महाराज की अगवाई हेठ श्री स्वामी शंकरनाथ पर्वत मठ चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट हदियाबाद फगवाड़ा वालों श्री स्वामी शंकरनाथ पर्वत मठ हदियाबाद फगवाड़ा विखे 27 मई तो 31 मई तक योगा शिविर लगाया जा रहा है। इस योगा शिविर का उद्घाटन समाज सेविका मैडम अनीता सोम प्रकाश ने शमा रोशन करके किया। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध उद्योगपति अशोक सेठी साबका कौंसलर जसविंदर कौर सिमी नारंग दीपक खोसला नितिन चड्डा भी मौजूद सन। इस योगा शिविर दौरान जिथे योगा के माहिर दीदार सिंह भैनी साहब वाल लुधियाणा वाले आयरन मैन कमांडो प्रवीण तेवतिया विशेष तौर पर पहुंचे तो वड्डी गिनती विच पहुंचे लोगों योगा के आसन करवाए। अपने संबोधन भी प्रसिद्ध उद्योगपति अशोक सेठी और समाज सेविका मैडम अनीता सोम प्रकाश ने कहा कि अजोके समय में जिथे कि इंसान ज़्यादा व्यस्त होने कारण कसरत करन भी समा नहीं कढ़ रहा उत्थे ही वह कई प्रकार दी बीमारियां नाल भी जूझ रहा है तो योगा एक अजिहा हल है जिस नाल हर इंसान बीमारी रहत अपना तंदुरुस्त जीवन बतीत कर सकता है। उन्होंने कहा कि संस्था वालों किया गया यह उपराला काबले तारीफ है तो सानू सारिया नू योग आसन करके अपने शरीर नू पूरी तरह नाल निरोग रखना चाहिए है। योग की पाठशाला दे विच तुहानू सारिया नू देख के बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम तुसीं अपने शरीर दे नाल प्यार तां करदे हैगे जिहड़े अपने घर दे बैठे है उहनां नू अपने शरीर दे नाल कोई प्यार नहीं है और अठ बजे दो बजे ते सोंदे है जिहड़े इंसान सवेरे उठ के 6:30 बजे किसी भी तरीके का योग करते हैं चाहे घर बैठ के करते हैं या किसी स्थान पर जाके करते हैं उन्होंने चेहरे की रौनक घर बैठे के चेहरे की रौनक बहुत फर्क है। जो थोड़े में तंदुरुस्ती फुर्ती नजर आती है वो उन्होंने नहीं आती है। साढ़े प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पूरे वर्ल्ड ही योग ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ और अस सारे रल के आप ही और अपने साथियों को भी ए बारे ज्ञान देने और योग कराएंगे जेडे कर सकते हैं बहुत अच्छी गल है। मेरे वर्गी तो है मैं कर नहीं सकती थी साल कर लेते हैं कोई घंटा बोल सकते हैं और ये इंसान तंदुरुस्त रहता है बहुत सारिया बीमारियां जो अपने आप ही हो जाती हैं। सो सानू रोज इतने आके का लाभ लेना चाहिए और सारिया ने दसना भी चाहिए है कि पाठशाला योग शिविर लगे असं जाना है और एक रूटीन बनाना चाहिए है। जो रूटीन है तो अच्छा है एक दिन करके मेरे वाग एक दिन सैर करके 10 दिन छुट्टी है उसका कोई फायदा नहीं होगा ना मैंने होगा। सो बहुत अच्छा स्वामी सारे आए हैं बहुत अच्छा योग करवा रहे थे सानू भी चेहरे बुला के डिस्टर्ब ਧੰਨਵਾਦ।